देखो जी बहुत ही दुखदाई खबर सवेरे सवेरे अज सुनने मिली कि अफगानिस्तान के गुरुद्वारा साहब से अतवादी हमला होया, उस जाना भी गई हैं, कुछ बंदे फसे भी हुए। और मैं प्रधानमंत्री जी ने यह मंग करदा प्रधानमंत्री तो कि अफगानिस्तान के राजदूत को बुला के जिहड़ा उन्होंने तो सख्त कार्रवाई करवाओ उन्होंने खिलाफ। ये पहली बार नहीं होया, तीन तीन चार चार महीने बाद उत्थे करते रहते हैं। सो इस करके घट गिणती जिहड़े ने अफगानिस्तान के सेफ नहीं है। सो ये साडी तो बाणी जिहड़ी है वह सरबत का भला मंगण वाली है। जिहड़ी बाणी उस गुरुद्वारा साहब च गूंजती है वह की कहती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। सरबत का भला मंगण वाली बाणी से जे तुसीं गोलियां चलाओगे इस तों बाद माड़ा माड़ी करतूत कोई हो नहीं सकती। हाँ जी, मैनूं उन्होंने गल की जलंधर। तो देखो गल ये है, ये तो बहुत वड्डा मजाक है नौजवानों नाल कि तुसीं 17 साल दे आओ फिर तुहानूं असीं ट्रेनिंग देवांगे, 21 साल दे तुहानूं रिटायर कर देंगे। मतलब 21 साल का नौजवान साबका फौजी बन जूगा, साबका सैनिक बन जूगा, उदों बाद जिंदगी कितने जाएंगे वो। ये आप तो लीडर जिहड़े ने 80-80, 90-90 साल के होके तो इलैक्शन लड़ते हैं, तो साढ़े तीन पुत 21 साल से रिटायर कर रहे हो तुसीं। ये बहुत गलत फैसला है, इहनूं वापस लेना चाहिए सारे देश के नौजवानों च। देखो नौजवान देश वास्ते अपनी जान देने को तैयार ने, कितनी मेहनत करके वो सड़कों पर भज के भी जे कई हालात है जिन्हें कि स्टेडियम नहीं है वो फिजिकल टेस्ट पास करते हैं, उस तो बाद फिर लिखती करते हैं, उस तो बाद उन्हें ड्यूटियां लगदी ग्लेशियरों ड्यूटियां लगदी जैसलमेर के टिब्बों जो असी एसी ला के पे होंने 50 डिग्री सैलसीयस काम कर रहे होंगे ने, जो असी अपने परिवारों बच्चों जोड़ा वो हीटर ला के पे होंगे वो उत्थे -20 डिग्री काम कर रहे होंगे ने। कि सिर्फ 2-3 वास्ते साल वास्ते उन्होंने तो मजाक उड़ा रहे उन्होंने जिंदगी का। सो जिन्ना चिर वो देश की सेवा करनी चाहते हैं उन्होंने नहीं करनी चाहिए है, जी भर्ती है वो पुरानी प्रक्रिया मुकाबत होनी चाहिए। जो जो उद्योगपतियों को देना होंगे फंड उदों पता नहीं कितों आ जाता है, लोगों को देने बारी फंड कट जाते इन्हों। सो इस गल का सख्त विरोध करते हैं। अग्नि जिहड़ा अग्निवीर ज जिहड़े इन्होंने अग्निपथ ये बहुत काले कानून ने इन्हों वापस लेना चाहिए ताकि देश का नौजवान जिहड़ा वो देश की सेवा कर। देखो जी बहुत ही दुखदाई खबर सवेरे सवेरे अज सुनने मिली कि अफगानिस्तान के गुरुद्वारा साहब से अतवादी हमला होया, उस जाना भी गई हैं, कुछ बंदे फसे भी हुए। और मैं प्रधानमंत्री जी ने यह मंग करदा प्रधानमंत्री तो कि अफगानिस्तान के राजदूत को बुला के जिहड़ा उन्होंने तो सख्त कार्रवाई करवाओ उन्होंने खिलाफ। ये पहली बार नहीं होया, तीन तीन चार चार महीने बाद उत्थे करते रहते हैं। सो इस करके घट गिणती जिहड़े ने अफगानिस्तान के सेफ नहीं है। सो ये साडी तो बाणी जिहड़ी है वो सरबत का भला मंगण वाली है। जिहड़ी बाणी उस गुरुद्वारा साहब च गूंजती है वो की कहती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। सरबत का भला मंगण वाली बाणी से जे तुसीं गोलियां चलाओगे इस तों बाद माड़ा माड़ी करतूत कोई हो नहीं सकती। हाँ जी, मैनूं उन्होंने गल की जलंधर। तो देखो गल ये है, ये तो बहुत वड्डा मजाक है नौजवानों नाल कि तुसीं 17 साल दे आओ फिर तुहानूं असीं ट्रेनिंग देवांगे, 21 साल दे तुहानूं रिटायर कर देंगे। मतलब 21 साल का नौजवान साबका फौजी बन जूगा, साबका सैनिक बन जूगा, उदों बाद जिंदगी कितने जाएंगे वो। ये आप तो लीडर जिहड़े ने 80-80, 90-90 साल के होके तो इलैक्शन लड़ते हैं, तो साढ़े तीन पुत 21 साल से रिटायर कर रहे हो तुसीं। ये बहुत गलत फैसला है, इहनूं वापस लेना चाहिए सारे देश के नौजवानों च। देखो नौजवान देश वास्ते अपनी जान देने को तैयार ने, कितनी मेहनत करके वो सड़कों पर भज के भी जे कई हालात है जिन्हें कि स्टेडियम नहीं है वो फिजिकल टेस्ट पास करते हैं, उस तो बाद फिर लिखती करते हैं, उस तो बाद उन्हें ड्यूटियां लगदी ग्लेशियरों ड्यूटियां लगदी जैसलमेर के टिब्बों जो असी एसी ला के पे होंने 50 डिग्री सैलसीयस काम कर रहे होंगे ने, जो असी अपने परिवारों बच्चों जोड़ा वो हीटर ला के पे होंगे वो उत्थे -20 डिग्री काम कर रहे होंगे ने। कि सिर्फ 2-3 वास्ते साल वास्ते उन्होंने तो मजाक उड़ा रहे उन्होंने जिंदगी का। सो जिन्ना चिर वो देश की सेवा करनी चाहते हैं उन्होंने नहीं करनी चाहिए है, जी भर्ती है वो पुरानी प्रक्रिया मुकाबत होनी चाहिए। जो जो उद्योगपतियों को देना होंगे फंड उदों पता नहीं कितों आ जाता है, लोगों को देने बारी फंड कट जाते इन्हों। सो इस गल का सख्त विरोध करते हैं। अग्नि जिहड़ा अग्निवीर ज जिहड़े इन्होंने अग्निपथ ये बहुत काले कानून ने इन्हों वापस लेना चाहिए ताकि देश का नौजवान जिहड़ा वो देश की सेवा कर।